देश में अलविदा की नवाज, रमजान को विदा करने की नवाज आज की जाएगी। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद की जामा मस्जिद को हूँ, जहाँ पुलिस ने सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है, छत से नजर रखी जा रही है, तो ड्रोन भी यूज किया जा रहा है। मेरे साथ इस समय मुरादाबाद शहर के एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया जी मौजूद है। मैं इनसे बात करूंगा कि क्या सुरक्षा इंतजामों को लेकर क्या व्यवस्था है। सर, सुरक्षा इंतजामों को लेकर क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, आज अलविदा जुम्मा का अवसर है और इस पर हम लोगों ने यहाँ सभी सुरक्षा के प्रबंध किए हैं। नमाजी आराम से सुविधाजनक तरीके से नमाज करें, इसके लिए यहाँ साफ़ सफाई से लेकर सारी व्यवस्थाएँ की गई हैं। कोई आवारा पशु यहाँ ना आए, उसके लिए नगर निगम से अनुरोध किया गया था। हम लोग बाकी हमने सुरक्षा की दृष्टि से दो कंपनी PSC भी लगी हुई यहाँ पर, कई मजिस्ट्रेट हैं, CEOs हैं, तो ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। लोग अपने सुविधापूर्वक ढंग से आज नमाज अदा कर सकते हैं। सर, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है, कोई अप्रिय घटना ना हो सके, कुछ ऐसी घटना ना हो सके, उसके कोई खुराफाती था तो कोई इसमें कुछ खुराफात ना कर सके, उसके दृष्टिगत हम लोग सतर्क हैं। बाकी सभी लोग त्यौहार के अवसर पर खुशी से नमाज अदा करके अपने घरों को जाएंगे, यही हमारा प्रयास है। ये हमारे संग मौजूद थे मुरादाबाद के SP सिटी अखिलेश भदौरिया जी, जिनका साफ कहना है किसी भी तरह की कोताही बरती गई तो पुलिस चप्पे चप्पे पर सुरक्षा को लेकर तैनात है और कठोर कार्रवाई की जाएगी। अपने सहयोगी चांद अंसारी के साथ सागर रस्तोगी, पंजाब केसरी, मुरादाबाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।